देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए दिन रात कवायद की जा रही है। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन अव्यवस्था में बदली व्यवस्था के बाद से जिला प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद से देवघर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने मंदिर के सरदार पंडा से मुलाकात किया, इसके बाद व्यवस्था का निरीक्षण किया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि बाबा धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, व्यवस्था में कमियां पाई गई है जिसे स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श कर समाप्त किया जाएगा। साथ ही आने वाले श्रावणी मेला के दौरान शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ श्रद्धालुओं को बेहतर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जैसे कि आप लोगों ने देखा महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 लाख से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे और उसके साथ साथ शीघ्र दर्शनम कूपन जो है उसको भी लगभग 13,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दिया था, तो वो बहुत लंबी लाइन भी हो जाती है और बहुत अत्यधिक भीड़ हो जाती है, तो उनको हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं और मंदिर की व्यवस्था में भी और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उसी के संबंध में हम लोगों ने जिला के सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं ताकि शीघ्र दर्शन अच्छा सा हो और आम श्रद्धालु जो है उनको भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसको भी हम लोग सावन से पहले और अच्छा बेहतर बने। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।